न मैं रहता न तुम होती, बेवक्त हम पर न जुल्म होता। मानवता को शूली पर रख कर जो बहू ने सास के साथ किया है उसे देखकर आप बेहैरान रह जाएंगे। कपकपाती ठंड में हरियाणा में वृद्ध सास पर बहू के अत्याचार का वीडियो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हिसार के आज़ाद नगर क्षेत्र में 80 साल की वृद्धा को उनकी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। सिर्फ घर से ही नहीं निकाली, बहू ने सास के कपड़े गली में फेंक दिए। वीडियो में निस्सहाय हालात में पड़ी सास को बहू खड़ी खोटी भी सुनाती हुई नजर आई। आज दिन में एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है जो मैंने भी देखा, उसके बाद मैंने पता किया कोई शकुंतला नाम की लेडीज है, उसने अपनी सास को मंगलवार को घर से निकाल दिया था। उसके बाद उसको शकुंतला को आज ही अरेस्ट कर लिया गया है और कोर्ट में पेश कर दिया। अब इसकी कहानी भी सुन लीजिए। वृद्धा के तीन बेटे हैं, तीनों बेटे सरकारी नौकरी से रिटायर हैं, तीनों अपना अपना अलग मकान बनाकर रह रहे हैं और माँ शुरू से अपने बेटे भागमल पटवारी के साथ रहती हैं। वृद्धा के आरोप हैं कि उनकी पुत्रवधू उनके साथ झगड़ा करती रहती हैं। उसके बेटे और बहू में झगड़ा नहीं हो इसलिए वह यह बात किसी को नहीं बताती थी। हालांकि इस बार जब बहू ने ऐसा किया तो इस दौरान किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हरियाणा महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे मामले का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। पुलिस ने आयोग के आदेश पर बहू को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पिछले दिनों सोनीपत में भी एक वृद्धा के साथ उसकी बहू द्वारा ज्यादती करने की घटना सामने आई थी। लेकिन सवाल वही जो हर किसी के जहन में एक शायरी की तरह बेतहाशा दर्द बनकर गूंजती है और पूछती है, न मैं रहता न तुम होती, बेवक्त हम पर न जुल्म होता। न्यूज़ तक ब्यूरो।